हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ईएससी के कुछ क्वेश्चंस चेक करे थे। यहाँ पर कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम 1997 और मेरे को बोल रहा है कि भाई दो वायर है जिनकी लेंथ की वैल्यू इक्वल है और दोनों वर्टिकली यहाँ पर हैंग कर रहे हैं। दोनों में डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। शोन इन द फिगर बिलो देयर अपर एंड्स आर फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स्ड है और आगे बोल रहा है दैट द लोअर एंड सपोर्ट अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बार। ये रिजिड हॉरिजॉन्टल बार नीचे दिख रहा है। आगे बोलता है कि इस पे टोटल लोड जो एक्ट कर रहा है दैट इज ऑफ 1 टन। ठीक है, तो ये यहां पर 1 टन का लोड लग रहा है। बोल रहा है कि मुझे ये बता दे व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन। देखिए, ये दोनों के बीच में अगर लोड एक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितना रिएक्शन यहाँ मिलेगा उतना ही रिएक्शन यहाँ पे भी मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट एज लोड इज एट मिडवे वी कैन ये से दैट द फोर्स इन ईच ऑफ द वायर विल बी सेम। ठीक है, और सेम मतलब कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ 10, क्योंकि टोटल लोड मेरे को पता है यहां पर 1 टन का लग रहा है। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है एक्सटेंशन की बात। तो एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE। ये फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो। फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे को ये पता है कि इन दोनों के लिए ही जो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी अलग है और एरिया भी अलग है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा सी निकालता हूँ तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। P की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 500 kg, 0.5 टन को लिख सकता हूं मैं। अच्छा, लेंथ की वैल्यू इसके लिए कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर को मैं लिख देता हूं एज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन एरिया की वैल्यू कॉपर के लिए कितनी दी है हमको, दैट इज इक्वल टू 4। और E की वैल्यू कितनी दे दी है, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डेल्टा फॉर स्टील अगर कैलकुलेट करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए फोर्स की वैल्यू 500 ही है, लेंथ की वैल्यू अगेन 400 सेंटीमीटर अपॉन एरिया विल बी इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 2 × 10⁵। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों में ही सेम है और डिनोमीटर में यहाँ पर 4 × 1 है और इधर 2 × 2 है, मतलब दोनों की ही वैल्यूज तो यहाँ पर सेम आ रही है। इसका मतलब कि जब मैं यहाँ पर डेल्टा सी टू द डेल्टा ऑफ स्टील कैलकुलेट करूंगा तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही रेशियो मेरे को खैर पूछा था यहाँ पर, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ईजी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन टेम्परेचर स्ट्रेसेस से लिया गया था। बोलता है दैट अ कंपोजिट सेक्शन शोन इन द फिगर बिलो वॉज फॉर्म्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बोलता है वॉज मेड ऑफ टू मटेरियल्स ए एंड बी, मतलब दो अलग अलग मटेरियल के यहाँ पर ये बार्स दिख रहे हैं। आगे बोलता है कि भाई जो थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू है वो ए में कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है बी से, और यहाँ पर हमने क्या करा, टेम्परेचर दोनों का ही मिलाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बना दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्लियर है कि जो टेंडेंसी होगी वो एक्सपैंड करने की होगी, लेकिन यहां पर बात समझना कि ना ही ये एक्सपैंड ना ही ये हिलने वाला क्योंकि ये रिजिड बार है और ना ही ये हिलने वाला है क्योंकि ये भी रिजिड है। दैट मीन्स एक्सपेंशन इज नॉट अलाउड फॉर बोथ ए एंड बी। यस और नो, ठीक है, सो ये दोनों के लिए ही यहां पर एक्सपेंशन अलाउड नहीं है। देन मैं ये बोल सकता हूं कि बोथ विल बी इन कंप्रेशन। ठीक है,
सो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई जो एक्सपेंड ज़्यादा करना चाहता है वो भी तो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, और अगर वो एक्सपेंड कर रहा होता तो वो दूसरे को खींचता, लेकिन यहाँ पर तो अगर ए के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो वो भी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो अगर वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो पक्की बात है वो बी को कैसे खींच सकता था, इसलिए दोनों में ही यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, और यही हम लोगों को खैर यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑफ कोर्स बोथ विल बी इन कंप्रेशन व्हिच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी, इस पे आप टिक कर देंगे। और चलिए अभी खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द शियर मॉडुलस। मेरे को पूछता है कि भाई यहाँ पर व्हाट विल बी द पॉइजंस रेशियो। तो देखिए पॉइजंस रेशियो के लिए आपको ये म्यू का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज इक्वल टू 3K-2G अपॉन 6K-6K+2G। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, और क्या बोल रहा है मेरे को कि E और G दोनों की ही वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहा है बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की वैल्यूज इक्वल इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको लिख देता हूँ एज 3K-2K अपॉन 6K-2K। ठीक है, के सभी में से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा 1/8। सो 1/8 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 0.125। 0.125 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, जिस पे आप टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट अ माइल्ड स्टील बार इज इन टू पार्ट्स हैविंग इक्वल लेंथ, दोनों में ही इक्वल इक्वल लेंथ है। बोलता है दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 इज डबल ऑफ दैट ऑफ पार्ट 2। तो देखिए ये दोनों के लिए ही लेंथ की वैल्यू तो इक्वल है, मतलब L1 और L2 तो बराबर बराबर हैं, लेकिन क्या बोल रहा है एरिया की वैल्यू में रिलेशन दिया है दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 इज डबल ऑफ दैट पार्ट 2, मतलब इधर लिख देता हूँ ट्वाइस। ठीक है, इफ द बार कैरीज एन एक्सियल लोड पी देन द रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन विल बी। इलॉन्गेशन के लिए फॉर्मूला आपको पता है, मेरे को रेशियो पूछ रहा है विच विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन A1 × E। देखिए दोनों के दोनों ही सेम मटेरियल के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर E की वैल्यू चेंज नहीं करी, दोनों ही यहाँ पर एक के बाद एक है इसलिए दोनों में ही सेम फोर्स होगा, इसलिए मैंने P को भी कुछ नहीं लिखा। सो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई दोनों की लेंथ भी बराबर बराबर है, इसीलिए लेंथ को भी मैंने यहाँ पर कैंसिल करना बाकी है। सो ऑफ कोर्स इसको मैं जब यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा एज A2 upon A1, और A2 upon A1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दी हुई हम लोगों को, दैट A2 upon A1 विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यही रेशियो तो खैर मेरे को पूछा गया था विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें असर्शन रीजनिंग दिख रहा है। असर्शन में बोला है दैट अ बार टैपर्स फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ D1 टू डायमीटर D2 ओवर इट्स लेंथ L एंड इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स P इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इट एज अ बार ऑफ एवरेज डायमीटर द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंशन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट D से 2D हो जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसी के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज विल बी इक्वल्स टू 1.5 times of D, यस और नो। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट व्हाट विल बी द एक्सटेंशन, एक्चुअल एक्सटेंशन कितना होगा, तो एक्चुअल एक्सटेंशन का फॉर्मूला ये होता है। सो इसका मतलब देखिए ये तो ट्रू है, अब चेक करते हैं ये सही है क्या। तो पहले एक्चुअल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है दैट इज इक्वल टू 4PL/π × D1 × D2 × E। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एवरेज के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 4PL/π D² × E होता है, लेकिन D की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 times of D ले लेंगे होल स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसको जब कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 4PL/2.25 × D² × E। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बात समझना कि यहाँ पर D1 D2 की वैल्यूज में से ऑफ कोर्स ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्या
d1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं d और d2 की वैल्यू पुट कर देता हूं 2d, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पाई इनटू d स्क्वायर इनटू e। जरा चेक करो यहां रेशियो क्या दिख रहा है, ये सारा सब कांस्टेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट दिख रहा है, ये आ जाएगा कितना 4/2, यस और नो, और ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 4/2.25। तो मेरे को ये बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस एक्चुअल ज्यादा होता है देन द एवरेज वैल्यू, जबकि यहां पर क्या दिया है दैट द एवरेज के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी देन द एक्चुअल, ऐसा उल्टा है, सो ऑफ कोर्स दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैंने प्रूफ करके बताया कि ये क्यों फॉल्स हो रहा है, अब ए फॉल्स है आर टू है तो ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ राउंड बार मेड ऑफ सेम मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 3 parts ईच ऑफ 100 mm लेंथ, ठीक है, और मेरे को बोल रहा है दैट उनके डायमीटर्स की वैल्यूज अलग अलग है और उनमें एक एक्सियल लोड लगाया है ऑफ 10 kN, पूछता है भाई टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर टोटल इलॉन्गेशन अगर मैं निकालता हूँ तो ऑफकोर्स उसमें मेरे को तीनों ही बार्स का एक्सटेंशन एड करना पड़ेगा, तीनों ही बार्स के लिए अगर एक्सटेंशन लिखना है तो मेरे को ये पता है पीएल अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तीनों में ही जो लोड है वो 10 kN का होगा, 10 kN का मतलब है 10,000 N, ठीक है, अच्छा मेरे को खैर kN पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर में, यहाँ पर ये e की वैल्यू दी हुई है और मेरे को पूछ रहा है ये mm में, ठीक है, अच्छा ध्यान रखना e की वैल्यू kN में है तो इसीलिए इस यहाँ पर जो मैंने वैल्यू यूज करी है इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 नहीं लिखना होगा बल्कि आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 kN ही लिखना पड़ेगा, सो दिस इज पी, लेंथ की वैल्यू कितनी है तो दैट इज इक्वल्स टू 100 mm, ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 इनटू फर्स्ट वाले के लिए क्या दिया है 40² इनटू ई, ये तो हुआ फर्स्ट के लिए, सिमिलरली सेकंड के लिए बात करेंगे तो 10 × 100 अपॉन पाई बाय 4 और एरिया में यहां पर डायमीटर अब कितना है 50² इनटू ई, ठीक है, अच्छा थर्ड वाला भी क्या होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 10 × 100 अपॉन पाई बाय 4 इनटू, अब थर्ड यहां पर डायमीटर दिया है 60² इनटू ई, ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसको भी अगेन यहां पर अगर आप देखते हैं कि जो भी यहां पर कॉमन दिख रहा है पाई दिख रहा है ई दिख रहा है इसको आप कॉमन यहां पर बाहर ले लेते हैं तो देखिए ऊपर क्या आएगा 40 × 100 अपॉन, नीचे यहां पर क्या दिख रहा है देखिए यहां पर 10 का स्क्वायर बाहर ले सकता हूं तो ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू 100 × πe, ये कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर की तरफ देखिए क्या बचेगा ये 4 का स्क्वायर मतलब 1/16 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 1/25 और ये बच जाएगा 1/36, ये सॉरी ठीक है, सो अगेन इसी को यहां पर देखेंगे तो ये 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा 40 और साथ ही साथ यहां पर ये भी चेक कर लेना कि ये आ रहा है 40 अपॉन पाई ई, बाकी अंडर ब्रैकेट तो सभी में सेम है, अब 40 अपॉन पाई ई एग्जैक्टली कहाँ दिख रहा है तो बस उसी को आपको यहाँ पर टिक करना था, सो ये वैल्यू दिख रही है हम लोग को लिखी हुई इन योर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर देंगे 40 अपॉन पाई। देखते चलिए खैर अभी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक बार एक मेंबर है जिसमें पीएक्स की वैल्यू टेंसाइल है तो पीएक्स को मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, अच्छा py की वैल्यू क्या है कंप्रेसिव है इसको मैं -py ले लेता हूं और थर्ड है pz विच इज अगेन टेंसाइल तो इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, मेरे को बोल क्या रहा है, मेरे को बोल रहा है कि भाई यहां पर व्हाट विल बी द रिजल्टेंट स्ट्रेन अलोंग द x डायरेक्शन, तो देखिए हम लोग यहां पर ये पता है कि भाई px के कारण जो यहां पर स्ट्रेन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, सो इसको लिख सकता हूं px अपॉन E. अच्छा बाकी लैटरल डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है साइन, सो लेकिन यहां पर देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस म्यू इनटू py अपॉन ई,
ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव करूंगा तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ पी जेड अपॉन ई, ठीक है। तो देखिए 1 बाय पी ई तो कॉमन ले लेंगे, पी एक्स के साथ पॉजिटिव है और म्यू पी वाई पॉजिटिव है, म्यू पी जेड नेगेटिव होगा। सो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए यहां पर टिक कर देंगे। और चलिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट अ सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 1 meter लेंथ इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस, इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 times एज दैट ऑफ लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पर म्यू की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं दैट इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो ये रेशियो यहां पर क्या दे दिया है हम लोगों को कि भी लॉन्गिट्यूडनल इज 4 times, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। सो ऑफकोर्स ये तो हम लोगों को पता है। और मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये ई की वैल्यू दे दिया है एज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू बोल रहा है यहाँ पर, तो ये हम लोग को पता है जी इज इक्वल्स टू क्या होता है ई अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 + μ, ठीक है। ई की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ और 2 × 1 + μ, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 0.25, क्योंकि ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स बस इसको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, सो विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसको भी देख लेते हैं। अगला बोलता है दैट अ माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमन सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल लोड फेल्स अलोंग अ सरफेस एट 45 degrees टू इट्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। कुछ इस तरह का हम लोगों ने देखा था फेलियर, कुछ इस तरह का होता था और इसी को क्या बोलते थे हम लोग एज द कप कोन फेलियर, बिकॉज यहाँ पर जो फेलियर होता है वो किसके कारण होता है अंडर द शीयर स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है वो कहाँ मिलती है हम लोगों को 45 डिग्री के एंगल वाले प्लेन पर, इसीलिए 45 डिग्री पे फेलियर देखने को मिलता है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर स्टील की बात करता हूँ टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, कंप्रेशन में ऑलमोस्ट इसके बराबर रहती है। सो सबसे कम होती है यहाँ पर, सबसे कम होती है यहाँ पर दैट इज इन द शीयर, इसीलिए फेलियर शीयर में होता है और शीयर मैक्सिमम मिलता है एट 45 degrees, यही रीजन होता है, हमने पढ़ा भी है कप कोन फेलियर के लिए। सो ऑफकोर्स वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सही है, ये भी सही है और ऑफकोर्स आर इज द रीजन, सो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट अ स्टील बार 300 mm लॉन्ग एंड हैविंग 24 mm डायमीटर इज टर्न इनटू 18 mm डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब पहले यहां पर डायमीटर कितना था 24 और बाद में कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं कि भाई ये हमारा बार है, इट इज हीटेड 30 degrees centigrade अबोव रूम टेम्परेचर क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स, मतलब ये दोनों ही एंड्स इसके क्या कर दिए हमने क्लैम्प कर दिए 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब बाकी बच गई लेंथ कितनी है 2L/3 यहाँ और ये लेंथ कितनी है L/3 यहाँ। इसका डायमीटर बोल रहा है कितना है 18 है, जबकि पहले डायमीटर कितना था तो वो भी दिया हुआ है 24, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लैम्प्स इज अनचेंज्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार इज, ठीक। तभी सबसे पहले मेरे को यहाँ पर बात समझना कि इसका एक्सपेंशन तो आपने अलाउ करा नहीं है लेकिन कुछ एक्सपेंशन हो सकता था, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर चेंज इन लेंथ निकालता हूँ तो मुझे ये पता है दैट द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू L1 इंटू T1 प्लस अल्फा 2 × L2 × T2, टेम्परेचर सब में सेम बढ़ा है दैट इज इक्वल्स टू कितना 30 degrees centigrade अबव द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर चेंज कितना है 30 degrees, अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो 12.5 × 10⁻⁶ ये दिया हुआ है, तो इधर लिख देता हूँ 12.5 × 10⁻⁶। लेंथ की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर तो लेंथ की वैल्यू एक की 2L/3 होगी तो दूसरे की L/3 होगी, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 30, सो इधर लिख देता हूँ मैं एज इक्वल्स टू बी 2L/3 प्लस L/3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी सेम है और टी की वैल्यू भी सेम है, इसलिए इस तरह से लिखा जा सकता है।
ठीक है, और लेंथ की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 300 mm. सो ऑफकोर्स इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे एज डेल एल टी. लेकिन ये तो टेम्परेचर के कारण चेंज है. अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट वॉट विल बी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू सम पर्टिकुलर फोर्स, तो देखिए यहाँ पर ऑफकोर्स एक्सपेंशन चाहता है लेकिन एक कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, और कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो यहाँ पर चेंज इन लेंथ होनी चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू पी इंटू एल वन अपॉन ए वन इंटू ई प्लस पी टू इंटू एल टू अपॉन ए टू इंटू ई. यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये वैल्यू फोर्स की तो सेम रहेगी. ठीक है, अच्छा चलिए फोर्स की वैल्यू मेरे को नहीं पता बट मैं यहाँ पर पी ही लिख देता हूँ और ई की वैल्यू दोनों में ही कांस्टेंट है. ई की वैल्यू कितनी है 200 गीगा न्यूटन पर सेकेंड, तो इसको मैं लिख देता हूँ 200 इंटू 10^10. देखिए न्यूटन नहीं बल्कि आपको यहाँ पर बोल रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है. खैर चलिए यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 10^9 क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दूंगा मैं अभी, और या फिर एक काम करते हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में पहले लिख लेते हैं. सो ऑफकोर्स इसको लिखना पड़ेगा 10^3. अच्छा आगे देखिए लेंथ अपॉन एरिया का रेशियो बाकी रह जाता है. पहले लिए पता है मेरे को लेंथ कितनी है 2l/3 और इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू π/4 इंटू 24 स्क्वायर. थर्ड सेकेंड वाले के लिए एल बाय थ्री लेंथ होगी और π/4 इंटू 18 का स्क्वायर विल बी योर एरिया. ठीक है, सो ऑफकोर्स मुझे ये चीज पता है कि जितना इसके कारण एक्सपेंशन होना था उतना ही इसके कारण कंप्रेशन होना चाहिए, और मुझे ये पता है दैट डेल एल प्लस डेल एल ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू फोर्स टोटल ओवरऑल चेंज इन लेंथ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सो ऑफकोर्स जब मैं इसको यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए ये डेल एल पी है और वो डेल एल टी है दोनों का ही अगर मैं समीशन देखता हूँ इक्वल्स टू जीरो आए तो ऑफकोर्स यहाँ से पी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी. फाइनली पी की वैल्यू कितनी आएगी मैं वो बता देता हूँ दैट पी विल बी इक्वल्स टू 26.94 किलो न्यूटन. कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने बता दिया, डेल एल पी की ये इक्वेशन है डेल एल पी की ये इक्वेशन है. ठीक है, दोनों का समीशन जीरो कर देना और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेना. बट पूछा गया था यहाँ पर क्या मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस वहीं आएगा जहां पर एरिया की वैल्यू कम है. सो ऑफकोर्स पी अपॉन एरिया लिखना है. ठीक है ना, पी तो पता है 26.94 है लेकिन एरिया मिनिमम कहाँ है 18 mm का डायमीटर जहां पर भी है. सो पाई बाय 4 इंटू 18 स्क्वायर. ठीक है, सो ऑफकोर्स यहाँ पर मिनिमम एरिया वाले पार्ट से आपको डिवाइड करना था और यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू आएगी देखेंगे ये किलो न्यूटन में है, तो ऑफकोर्स आप लोग यहाँ पर जो मेगा पास्कल में इवन मेगा न्यूटन पर या फिर मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू पूछी गई है जो कि वैल्यू आएगी अराउंड 105 के आसपास. लेकिन बात ध्यान दीजिएगा 100 पे आप टिक तो कर रहे हो वो बात सही है लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में ट्राई करने का सोचते, मैंने तो यहाँ पर बहुत जल्दी करके बता दिया वैल्यूज आंसर मेरे को पता थे लेकिन एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होता नहीं है और ऐसे केस में अगर आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते पक्की बात है कम से कम 10 मिनट लग जाते बिकॉज ये कन्वेंशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है. हम बिल्कुल देखे थे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में, लेकिन अगर आप ये ऑब्जेक्टिव में करने जाओगे विदाउट कैलकुलेटर शायद तो होगा ही नहीं विदाउट कैलकुलेटर. और अगर मान लो आपने कोशिश करने की कोशिश करी भी तो पक्की बात है आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे. ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है. कुछ इस तरह के ट्रैप्स होते हैं आपकी एग्जाम में. आप लोग सवाल मेरे को ये जरूर पूछ सकते हो कि सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है कैलकुलेटर के बिना, भाई नहीं करना छोड़ दो क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप इस एग्जाम की टारगेट कर रहे हो तो इस एग्जाम का कट ऑफ भी पता होना चाहिए. कट ऑफ जाता है 60% और 60% मार्क्स में से कुछ 40% छोड़ना है, छोड़ना तो नहीं है लेकिन ये पक्की बात है 10% तो कम से कम छोड़ के जाना ही है आपको, है ना. तो वो यही तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं. खैर चलिए देखते हैं अभी आगे. यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है बोलता है कि एक रिजिड बीम है CBDA नाम दे दिया है और मेरे को बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया पी 0.5 meter पे. आगे बोलता है द रेशियो ऑफ स्टिफनेस दे दिया है और मेरे को पूछ रहा है रेशियो ऑफ फोर्स बता दो कितना कितना होगा. ठीक है बात समझना,
कि ये अगर कुछ इस तरह से अगर टिल्ट होता है, ये तो रिजिड है ना बार, अगर ये रिजिड बार है तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि कुछ एक्सटेंशन होगा इसका, डेल बी लिख देता हूं और कुछ एक्सटेंशन यहां होगा डेल सी। अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स को सॉल्व करूं तो बात समझना कि मैं यहां पर इतना तो लिख ही सकता हूं दैट डेल बी अपॉन डेल सी विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 2 बाय टोटल डिस्टेंस कितना है सी तक, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, लेकिन रही बात फोर्स के लिए वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन एफ सी टू एफ बी मेरे को पूछ रहा है। एफ सी टू एफ बी अगर मैं स्प्रिंग्स की बात करता हूँ तो स्प्रिंग्स में फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स या फिर के इंटू डिफ्लेक्शन। सो के सी इंटू डेल सी, डेल सी ऊपर लिखा है, अपॉन के बी इंटू डेल बी। ठीक है, और यही रेशियो खैर मेरे को दे दिया, के टू बाय के वन इज गिवन इक्वल टू बी वन, तो बी एंड सी का यहां पर मेरे को रेशियो दे दिया था, सो बी बाय सी इज गिवन टू बी 2, ऑफ कोर्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी पता है 3/2 है, सो ऑफ कोर्स ये ओवरऑल रेशियो जब आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 3/4, 3/4 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला बोलता है दैट अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल टेंसाइल लोड सच दैट नॉर्मल स्ट्रेन इज इन द डायरेक्शन इज 1.25 mm/m। सो देखिए ये तो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कितना दिया है 1.25 mm/m। आगे क्या बोल रहा है कि भाई पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.3 है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है अगर, तो आप लोगों को ये पता है कि भाई तीन डायमेंशन होंगे, लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों के ही स्ट्रेन का समेशन कर दो, यस और नो, यही करना चाहिए। लेकिन लेंथ में कितना स्ट्रेन है ये पता है 1.25 है, अच्छा विड्थ में कितना स्ट्रेन होगा तो ऑफकोर्स नेगेटिव होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1.25 का भी एक म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही स्ट्रेन होगा विड्थ के डायरेक्शन में। म्यू क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि बी लैटरल डायरेक्शन में है, सिमिलरली हाइट जो है वो भी लैटरल डायरेक्शन में, इसलिए माइनस 1.25 इंटू 0.3 कर दिया आपने। ये माइनस क्यों लगा रहे हो वो आपको पता है कि भाई अगर लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ की वैल्यू कम होगी यहाँ पर। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसी को अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो वैल्यू जो दिख रही है दिस इज इन एमएम पर मीटर, कैलकुलेशन करेंगे तो दिस विल कम अप टू बी 0.5 mm/m। अब देखिए ये मेरे को खैर पूछ रहा है 10^-4 में, तो देखिए 0.5 mm, 1 meter के अंदर कितने mm होते हैं तो ये आप जानते हो, that is equals 2000 mm, इसी को solve करेंगे तो that will come up to be 5 × 10^-4 which is given in your option number B। ठीक है, तो देखिए ये थे कुछ questions, मैंने अभी यहाँ पर खैर सारे questions तो cover नहीं हो पाएंगे एक ही lecture में, इसीलिए धीरे धीरे पूरे के पूरे previous year questions को मैं lectures में divide करके आपको दे रहा हूँ। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग।